नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 36 स्लॉट्स आटा चक्की मोटर जो होती है, 3 HP की जो मोटर है, सिंगल फेज की क्लिच प्लेट वाली, उसका वाइंडिंग डायग्राम प्लस में डाटा। ठीक है, तो ये 3 HP की जो मोटर होती है, लगभग इसमें डाटा जो होता है बदल बदल के होता है, लगभग जो वाइंडिंग का तरीका है सेम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 36 स्लॉट्स यहाँ पे ले रखे हैं और इसका जो पिच होता है रिवाइंड करने का, वो होता है 104, 106, 108, 110 रनिंग का। तो सबसे पहले हम रनिंग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो रनिंग का हम बना लेते हैं पिच पहले। तो सबसे पहले हमें 104 बनाना है, दो स्लॉट बीच में छोड़ के। तो कहीं से भी दो स्लॉट छोड़ सकते हैं, यहाँ से दो स्लॉट छोड़ के 104 हमने बना लिया है। इसके ऊपर 106, 108, 110। ठीक है, तो ये पिच होती है। और सबसे पहले इसमें छोटी कॉइल, इसमें टोटल रनिंग में 4 सेट डलते हैं और 4 सेट के अंदर, ठीक है, 4 सेट डलते हैं, 4-4 कॉइलों के। हर सेट में 4 कॉइल होते हैं, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, फिर एक उससे बड़ी। तो सबसे पहले छोटी कॉइल डालते हैं, इनर तार उल्टे हाथ की तरफ रखना है छोटी कॉइल का। 104 में छोटी कॉइल हम इंस्टॉल यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद उससे बड़ी कॉइल होती है, उसको इंस्टॉल करते हैं, जो कि 106 के अंदर जाती है। फिर उससे बड़ी कॉइल इंस्टॉल करते हैं, जो कि 108 के अंदर जाती है। फिर उससे बड़ी वाली 110 के अंदर से होके आती है, और फिर इस सेट का आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, 104, 106, 108, 110 में डल जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम पिच बना लेते हैं 10 का। तो हमें उसमें बनाना है जिसमें कि एक बार तार ये डाला गया, सबसे बड़ी डाली गई है पिछली, इसको हम 10 बनाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे डबल आता है। ठीक है, तो ये इसका 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, और फिर 4 हो गया, फिर 2 छोड़ देने हैं। ठीक है, एक से यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, 2 छोड़ के। तो इनर तार उल्टे हाथ की तरफ, तो दो स्लॉट छोड़ के पहले 104 में, ऊपर 106 में, फिर 108 में, और उसके ऊपर 110 में हमको कॉइल डालना होता है यहाँ पे। ठीक है, आखिरी आखिरी कॉइल एक ही स्लॉट से निकलेगी दोनों की, और ये आउटर तार जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से यहीं से ही नोट करेंगे जहाँ पे कॉइल ख़त्म हुई थी, इसको हम 10 मानेंगे। फिर यहाँ पे 10 के बाद 8, 6, 4, दो स्लॉट छोड़कर शुरू करेंगे। छोटी कॉइल 104, बड़ी कॉइल 106, उससे बड़ी कॉइल 108 में, उससे बड़ी जो कॉइल है वो 110 से होके गुजरेगी, आउटर तार निकलेगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, फिर हम पिच बना लेते हैं 10, 8, 6, 4, 2 छोड़ देते हैं, और फिर 1, 1, 1, ठीक है, इस तरह से। तो पहला जो छोटा कॉइल है 104 से होके गुजरेगा, उससे बड़ा जो है 106 से होके गुजरेगा, उसके बाद 8 से होके गुजरेगा। तो इसका डेटा हम बाद में आपको बताएंगे, कॉइल का कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट इसका डेटा। तो ये देखिए, यहाँ पे डबल होके गया है, और यहाँ पे भी इसमें से डबल होके आ जाता है, तो सभी कॉइल डबल डबल हो जाती हैं फिर 10 वाली, और ये आउटर तार निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें हमने इसमें रनिंग कॉइलें, रनिंग सेट डाल दी हैं। टोटल 4 सेट इंस्टॉल होते हैं 4-4 कॉइलों के। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में भी सेम तरीके से ही आपको
तो स्टार्टिंग का पिक जो है वो 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9 रहेगा। वो इसमें रनिंग में 4 कॉयलों के सेट है, उसमें 4 सेट रहेंगे जो कि रहेंगे 3 कॉयलों के, एक सेट में 3 कॉयल। तो अब देखिए स्टार्टिंग डालने के लिए हमको इस तरह से मोटर को कर लेना, जैसे मैं डायग्राम को कर लिया है उस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 4 सेट रहेंगे स्टार्टिंग के अंदर और पिच रहेगा 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। तो देखिए पिच कैसे बनाना वो देख लीजिए। जो 10 वाला जो स्लोट्स हैं इधर वाली सेट का और इधर वाले सेट का, रनिंग वाले का जो 10 वाला स्लोट है 1 से 10 वाला, जिसमें डबल डबल कॉइल आई थी बड़ी बड़ी वाली, तो उसको हम स्कीप कर देते हैं एक को। फिर उसके लेफ्ट वाले को एक को स्कीप कर दो, एक राइट वाले को कर दो उसको करने के बाद। तो ये 3 स्लोट हमको छोड़ने हैं, उसके बाद पिच बन जाएगी इसके जस्ट ऊपर 1 से 5, 3 छोड़ने के बाद, 3 बीच में छोड़, 1 से 5 बन जाएगी। फिर इसके ऊपर 1 से 7 बन जाएगी, फिर 1 से 9 बन जाएगी। तो इसी तरह से छोटी कॉइल डालते हैं, 3 स्लोट छोड़ के 1 से 5 में, 7 में और फिर 9 से होके आएगी और आउटर तार निकल जाता है। तो इस तरह से हम डालते हैं इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस रखना है। इसमें डबल डबल कॉइल डाली गई थी जिस स्लोट में 10 वाली, उसको छोड़ना है, उसके ऊपर एक छोड़ना है, एक नीचे एक छोड़ना है, 3 छोड़ के पिच बना लेना है, 3 छोड़ के 1 से 5, ठीक है। तो सबसे छोटी कॉइल 1 से 5 में, ठीक है, 3 छोड़ के बीच में, फिर 1 से 7 में, ठीक है, उसके बाद 9 में, और आउटर तार निकल जाएगा इससे। सेम टू सेम आगे बढ़ना है इसी तरीके से, 3 छोड़ देने हैं यही, और फिर कॉइल जो है वो इंस्टॉल करनी है 1 से 5 में, 1 से 7 में, 9 में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर इसी तरह से 3 छोड़ देने हैं और फिर लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है कॉइल का छोटा सिरा, 3 छोड़ के डाल देना है 1 से 5 में, फिर 1 से 7 में, 1 से 9 में। तो पहली छोटी कॉइल, फिर बड़ी कॉइल, फिर उससे बड़ी कॉइल, इस तरह से डालना है। तो इस तरह से कॉइल्स डल जाती हैं रनिंग और स्टार्टिंग की दोस्तों। उसके बाद देखिए कनेक्शन निकल के आते हैं, इसके कनेक्शन देख लीजिए, पहले रनिंग के कनेक्शन देख लीजिए। रनिंग में आपको पहला सेट पकड़ना है, पहले सेट का इनर तार पकड़ लेना है और दूसरे के इनर से जोड़ देना है, ठीक है। पहला पकड़ा आपने, पहले का इनर पकड़ा और दूसरे के इनर से आपने जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर तीसरी वाले जो है, इन दो का कनेक्शन हो गया, तीसरे का इनर पकड़ना है और चौथे वाले के इनर से जोड़ना है, ठीक है। अब आउटर आउटर बचेंगे रनिंग के, देखिए 4 आउटर बचेंगे, एक ये वाला पहले वाले का, एक दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, चौथे वाले का, तो 4 आउटर बचते हैं। अब आपको करना क्या है कि आउटर आउटर आमने सामने जोड़ देने हैं। देखिए पहली वाले के सामने जो आउटर निकला हुआ है, इसके सामने ये वाला आउटर है, ये वाला, ठीक है, तीसरे वाले का। तो पहला और तीसरे का आउटर एक कर दीजिए, ठीक है, और ये एक पॉइंट बन जाता है। अब जो 2 आउटर और बचे हैं रनिंग के आमने सामने, ठीक है, जो कि दूसरे वाले और चौथे वाले के हैं, उनको भी आप एक कर दीजिए,
और ये भी एक पॉइंट यहां पे बन जाता है। ये पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज में आपको ऐसे ही करने हैं जैसे पंखे के करते हैं, कूलर के करते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए स्टार्टिंग के आपको यहाँ पे रनिंग का तो होएगा पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ये रनिंग के हैं। और जो स्टार्टिंग के हैं वो होंगे सिंपल कनेक्शन, सीरीज जिसको बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग का आपको कनेक्शन पहला, पहली कॉइल का आपने इनर पकड़ना है, दूसरे के इनर से जोड़ देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। पहली का इनर पकड़ना है ये वाला, और आपने दूसरे के इनर से जोड़ देना है, दूसरे का आउटर पकड़ना है, तीसरे का आउटर से जोड़ देना है, तीसरे का इनर पकड़ना है, चौथे किनर से जोड़ देना है। और दो तारे बचेंगी, फिर पहले का आउटर है एंड चौथे वाले का आउटर है। तो दो तारे स्टार्टिंग से निकलेगी, दो तारे यहाँ पे रनिंग से निकलेगी, ठीक है। अब देखिए इसका डेटा मैं आपको दे दूंगा, पहले इसके कनेक्शन में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको थोड़े से। तो टोटल चार तार निकले हैं, देखिए एक तो रनिंग का ये हो गया, एक रनिंग का ये हो गया, दो ये वाले दो, उसके बाद दो ही स्टार्टिंग के हैं, ये भी स्टार्टिंग का है और ये भी स्टार्टिंग का है। अब देखिए आपको करना क्या है, कनेक्शन ऐसे देने हैं कि स्टार्टिंग का जो एक तार है, जो स्टार्टिंग का जो एक तार है वो पहले क्लिच प्लेट से होता हुआ जाएगा, ये क्लच प्लेट बोल दिया, लगा दिया मैंने, तो एक तो यहाँ से होके जाएगा सीधा क्लिच प्लेट में जुड़ेगा फिर निकलेगा, और एक जो है वो डायरेक्टली सीधा का सीधा निकलता है, और दो होते हैं यहाँ पे रनिंग के। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का तो आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉमन बन जाता है, बाकी फिर कैपेसिटर लगते हैं, कैपेसिटर लगते हैं, एक लगता है, दो लगता है, तीन लगता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के दो तारें होती हैं, एक तो रनिंग के अंदर चली जाएगी कैपेसिटर की, जो दूसरी बची तारी है, तार है वो जो क्लिच प्लेट से होके जो तार आ रहा है वहाँ पे चली जाएगी इस तरीके से। जो कॉमन वाला है इसमें हम प्लस देंगे, माइनस भी दे सकते हो, एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा जो रनिंग वाला पॉइंट है एक तार ये हो गया। तो इन दोनों तारों में हमको वोल्टेज देनी है 220 वोल्टेज, इस तरह से क्लिच प्लेट जो है वो उसमें जो करंट जाता है स्टार्टिंग में वो कैपेसिटर के थ्रू जाता है और थोड़ी देर के लिए जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। प्लस में अगर आप इसमें ये जो स्टार्ट करने वाला कैपेसिटर होता है ना, जो एक बार झटका देता है क्लिच प्लेट में, अगर आप इसमें एक अलग से कैपेसिटर लगाना चाह रहे हैं जो कि रेगुलर कैपेसिटर है, तो वो इस तरह से लगा सकते हैं, ये रेगुलर कैपेसिटर लगाना चाहें तो एक तार रनिंग में दे दीजिए, और जो दूसरा तार है वो जो हम स्टार्टिंग के सॉरी क्लिच प्लेट के यहाँ पर दिया है हमने, तो इसको सीधा आप दे दीजिए यहाँ पर दूसरा लगाना चाहे तो, ठीक है, क्योंकि रेगुलर ही जुड़ा रहता है परमानेंट, ये रनिंग कैपेसिटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्शन हो गए, अब देखिए इसका जो डेटा है वो रेडी हमारे पास, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, ये हमारे पास इसका डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 36 स्लॉट की चक्की मोटर है, 3 HP की मोटर है सिंगल फेस में, स्टेटर साइज स्टैंपिंग साइज इसका 3 इंच है, स्टेटर की इनर डायर अंदर के स्टेटर की गोलाई जो है वो 5 इंच है, गेज इसमें रनिंग में 22 नंबर डबल रहेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में सिंगल रहेगा 23 नंबर,
और जो क्वाइल का साइज है रनिंग में, सबसे छोटी का 11, फिर उससे बड़ी 13, फिर 15, फिर 17 इंच, और जो स्टार्टिंग के जो क्वाइल है उसका सबसे छोटी 12 इंच, फिर 14 इंच की, फिर 16 इंच की, ऐसी रहेगी। पिच रहेगी रनिंग में 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, और पिच रहेगी स्टार्टिंग में 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। टर्न रहेंगे यहाँ पे रनिंग के अंदर 30, 40, 50, 25, छोटी में 30, फिर बड़ी में 40, फिर उससे बड़ी में 50, फिर सबसे बड़ी में 25, ठीक है। और स्टार्टिंग में रहेंगे 30, 40, 50, ऐसे रहेंगे। और टोटल कॉइल रनिंग के जो हैं, टोटल ग्रुप जो हैं, टोटल सेट रहेंगे 4 रहेंगे। एक सेट में यहाँ पे 4 कॉइल रहेंगी, और स्टार्टिंग के अंदर जो टोटल सेट रहेंगे 4 रहेंगे, और एक सेट के अंदर 3 कॉइल रहेगी। तो इसका कंप्लीट डेटा है, ठीक है, इस मोटर का जो। और इस तरह की अगर आपको दिखे मोटर जो कि 3 HP की हो, ये जो डेटा मैंने दिया है लोकल मोटर के अंदर है। वैसे मोटर का डेटा अलग अलग होता है, हर मोटर का डेटा, लेकिन इस तरह का आपको कुछ दिखे, इस तरह की मोटर आपको दिखे 3 इंच, जिसका स्टैम्पिंग साइज हो, स्टेटर इनर डायर 5 इंच हो, और वो 3 HP की मोटर हो 36 स्लॉट में, तो ये डेटा आप लगा सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम, मोटर आराम से चलेगी, ठीक है। वैसे हम जब रिवाइंडिंग की वीडियो देते हैं तो साथ साथ हर काम उसके कंपनी का नाम प्लस में डेटा हम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले ले इस डेटा का, हो सके आपके काम आ जाए, लोकल मोटर में आप इसे लगा सकते हो। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, रिवाइंडिंग का तरीका, ठीक है, और कनेक्शन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसके बाद एक दो डायग्राम्स की वीडियो हम और देंगे, और उसके बाद फिर हम अन्य वीडियो पे आएंगे, लगभग जो प्रैक्टिकल वीडियो होती हैं ज़्यादातर वो ही देंगे। तो कुछ ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।